हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आप सभी का मेरे चैनल सुबह माइंड चेंजर में। चैनल दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि फॉरेस्ट गार्ड का दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा स्कैम देखने को मिला है, उन सभी दोस्तों सवाल आपके मन में काफ़ी ज़्यादा पनप रहे थे, काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके मन में आ रहे थे। तो उन सवालों को, उन डाउट्स को लेकर दोस्तों मैं लाइव आया हूँ, ठीक है। और जितने भी आपके डाउट्स होंगे, जितने भी आपकी क्वेरीज होगी, सभी इसमें कंप्लीट की जाएगी। मैंने दोस्तों सारी क्वेरीज लिख कर रखी है, क्या क्या क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम स्कैम को लेकर, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि पेपर रद्द होगा, SIT की रिपोर्ट कब आएगी, उत्तराखंड का रोजगार संघ इस समय क्या कर रहा है, रैली कब होगी, ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं। इनका दोस्तों मैं विस्तारपूर्वक आपको वर्णन करूंगा, आपके बीच उनका जो आंसर्स होगा, जो भी जानकारी करंटली होगी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो के साथ आपको दोस्तों बने रहना है। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हों तो दोस्तों किसी भी नोटिफिकेशन संबंधित, किसी भी अपडेट संबंधित आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन प्रेस करके यहाँ पर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए स्टार्ट कर लेते हैं और बता देता हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चन आपके मन में। तो दोस्तों अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ, पहला क्वेश्चन तो आपके मन में है कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती थी रद्द होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बता दूँ, 100% भर्ती रद्द होगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि दोस्तों SIT की रिपोर्ट आने के बाद, आपको बताऊँ, सरकार और दोस्तों जो हमारा विभाग है, जो प्रशासनिक अधिकारी, सभी दोस्तों हमसे वादा कर रखा है कि रिजल्ट आते ही, रिपोर्ट आते ही इस भर्ती को हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दो जो आपके मन में काफ़ी उठ रहा है, जो आपने पूछा है, SIT की रिपोर्ट कब आएगी। तो दोस्तों मैं बताऊं, SIT की रिपोर्ट आपको लगभग 15 अप्रैल के आसपास दिखाई देगी, क्योंकि दोस्तों आ जाती है, मैं बताऊं आपको 25 के आसपास तक आ जाती है। लेकिन दोस्तों कोरोना के चलते भी विभाग के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, छोटे हों या बड़े, सभी दोस्तों इस समय कोरोना को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। सभी का जो स्टैम्प, जो मेन एम है, वो ये है कि किसी भी प्रकार से पूरे भारतवर्ष से इस कोरोना वायरस को, जो संक्रमित फैल रहा है इतनी बड़ी स्पीड में, इसे किसी तरीके से रोका जाए और इसे ख़त्म किया जाए, ठीक है। इस वजह से मैं आपको बताऊं दोस्तों, 15 अप्रैल के आसपास आपको रिपोर्ट दिखाई देगी। उससे पहले रिपोर्ट आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊं, समय ही नहीं है किसी भी विभाग के पास। अगर मैं पुलिस की बात करूँ, SIT की बात करूँ, या दोस्तों जितने अन्य जांच एजेंसियाँ हैं उनकी मैं अगर बात करूँ, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों मैं बताऊँ, देखो सपोज करो मैं अगर SIT की बात करूँ, SIT आप सभी को पता कि क्या क्या कार्य कर रही है, जाँच कर रही है, ठीक है। इसका कोई संबंध किससे नहीं है, जो वायरस फैला हुआ उससे कोई संबंध इसका दूर दूर से नहीं है, ठीक है, आप मान सकते हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं बताऊँ, कार्य तो बाधा हो रहा है, SIT का कार्य तो बाधा हो रहा है ना, कहीं आने जाने से अवरुद्ध हो रहा है, जांच करने से। भाई आपको पता है कि जब किसी की जांच की जाएगी तो आपको पता कि आवागमन करना पड़ेगा, और आवागमन दोस्तों पड़ा हुआ है भारत की, तो आप सभी को पता है कि कल रात, यानी कि आपको बताऊँ 24 तारीख को, 25 तारीख से, आज से मैं बताऊँ 25 तारीख से लॉकडाउन, आपको पता है कि 21 दिन तक लॉकडाउन कर रखा है माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उनके आदेश के द्वारा, ठीक है। तो मांगे चलना दोस्तों, आपको 10 से लेके 15 अप्रैल के आसपास रिपोर्ट आएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, अगली मैं बात करूँगा क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, ठीक है। आपके मन में डाउट हो रहा है कि पुलिस की वैकेंसी कब आएगी। तो दोस्तों मैं बताऊँ, पुलिस की वैकेंसी 2022 के लास्ट में आपको दिखाई देगी मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों लगभग दो से लेके तीन मंथ सरकार को या विभाग को किसी भी कार्य को करने का फुर्सत नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस कोरोना वायरस की वजह से, हालांकि अभी तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इतना यह समाप्त होगा, इतना अर्थव्यवस्था और वर्तमान जो सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इतना मुझे लग रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बात करूं अन्य बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की, तो दोस्तों काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज़, जब जैसे इटली हुआ आपका अमेरिका हुआ और आपका चीन हुआ, दोस्तों इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, इतना बड़ा सिस्टम होने के बावजूद भी कोरोना वायरस ने इनकी काफ़ी ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर दी, ठीक है। उस लिहाज से देखते हैं दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आने वाली जो नई वैकेंसी आएगी पुलिस वगैरह की, तो 2020 के लास्ट में मान के चलना दोस्तों, ठीक है, 2020 के लास्ट में, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मन में है कि
महारैली कब होगी? तो दोस्तों महारैली का जो सपना था, जो हमारी उम्मीद थी, लगभग लगभग 2 अप्रैल के आसपास हमने सोच रखा था, लेकिन दोस्तों 21 दिन यानी 21 डेज लॉकडाउन होने की वजह से वही मान के चलना आप नेक्स्ट मंथ में आपको, या दोस्तों नेक्स्ट मंथ के लास्ट में जैसे दोस्तों लॉकडाउन ख़त्म होता है उसके बाद हम क्या करेंगे, हम महारैली का आयोजन कर देंगे। जो हमारी कार्यकारिणी है, बेरोजगार संघ की जो कार्यकारिणी है दोस्तों, मैं बताऊँ वो इस समय आवागाही तो खैर आवागमन तो कहीं होने जा, लेकिन दोस्तों फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से संपर्क लगातार हर ज़िले में बनाया जा रहा है और दोस्तों बच्चों से लगातार बात की जा रही है, ठीक है। और लॉकडाउन होने से पहले भी कई ज़िलों में और कई स्थानों पर, कई कई बड़े बड़ी कोचिंग संस्थानों में, मैं हुआ, हमारे बोई पवार जी हुए, पीसी पंच जी हुए, या अन्य सागर राणा हुए, ठीक है, खजान राणा हुए, मतलब काफ़ी ज़्यादा हर बंदा कोई भी पदाधिकारी हो बेरोजगार संघ का, वो दोस्तों लगातार कार्य कर रहा है आपके इस भर्ती को किसी भी तरीके से रोकने के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में उठा होगा कि बेरोजगार संघ के द्वारा जो हमारे पीसी पंत जी थे वो कहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। तो पीसी पंत जी दोस्तों वर्तमान समय में अपने घर पर है और दोस्तों उनकी वीडियोज़ मैं आपको लगातार प्रोवाइड करा रहा हूँ चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। वो दोस्तों इस समय अपने घर पर हैं और लगभग लगभग 6 माह के लिए दोस्तों ने ब्लॉक उन्हें सरकार द्वारा वो कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, वे किसी प्रकार से कोई गतिविधि में कार्य नहीं कर सकते। अब दोस्तों उनका नया कदम क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों उनका जो न्यू कदम होगा दोस्तों, जो उनका नया जो कदम है, वे क्या मान रहे हैं कि वे दोस्तों शिफ्ट हो रहे हैं आपके सितारगंज से हो रहे हैं देहरादून, ठीक है, देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं, यहीं पर हमारा कोचिंग सेंटर होगा और यहीं से दोस्तों सभी बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे वो, और मार्गदर्शन के साथ साथ कोचिंग सेंटर भी शायद यहीं पर इस्टेब्लिश कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा ग्रुप सी का दोस्तों जो एग्ज़ाम है, इसके फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे। हालांकि दोस्तों मैं बताऊं, ये फॉर्म भी बीच में रुके हैं, दो दिन पहले UK 3 की ओर से नोटिफिकेशन आया था जिसमें दोस्तों बताया कि ग्रुप सी के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं 749 करके या 46 करके पद हैं, ठीक है, 746 करके पद हैं, ये दोस्तों दोबारा कब से भरे जाएंगे। तो मान चलना दोस्तों आप लगभग लगभग 20 अप्रैल के आसपास से दोस्तों दोबारा डेट इनकी अलाउंस हो सकती है। हालांकि दोस्तों ये सब चीज़ डिपेंड करती है कोरोना वायरस पर, कोरोना वायरस अगर जल्दी से समाप्त हो गया भारत से तो ये चीज़ें जल्दी एक्टिव हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कम से कम 20 अप्रैल तो मान के चलना ही चलना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैं बात करूँगा आपका परिवर्तन सिपाही के एग्ज़ाम की, ठीक है। तो दोस्तों जिस कंडीशन में आपको पता है कोरोना फैला हुआ, मान के चलना आप दो माह डेट कम से कम पीछे हट चुकी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में भारत की, अगर मैं प्रदेश की बात करूं तो काफ़ी दयनीय कंडीशन है, क्योंकि दोस्तों हमारे उत्तराखंड के कई कोई रोज़गार बंदे जो बाहर गए हुए हैं वो भी दोस्तों फंसे पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। आप तो दोस्तों घर में बैठे हुए ज़्यादा आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन दोस्तों जो सोशल मीडिया पर 24 घंटे एक्टिव हैं उन्हें पता रहता है। अभी दोस्तों मैं बताऊँ, कुछ समय पहले मेरे पास फ़ोन आता है आपका दिल्ली से रोहित बिष्ट करके नाम है, मैं आपको बता दूँ, रोहित बिष्ट करके नाम है, उन्होंने मुझे बोला कि शुभम भाई मैं दिल्ली में हूँ और यहाँ पर मुझे आना है देहरादून, किस तरीके से आऊँ, कोई व्यवस्था है। तो मैंने कहा मगर भाई देख व्यवस्था तो हो सकती, लेकिन आप किसी तरीके से नोएडा चले जाइए, नोएडा मेरे मामा जी हैं और वहाँ पर जाकर मैं आपकी व्यवस्था कर दूँगा भाई, लगभग लगभग इतना लॉकडाउन रहेगा इतना आपकी मैं व्यवस्था मामा जी के यहाँ कर दूँगा, आप टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो दोस्तों मैं आजकल में अभी तो मैं जो मतलब सरकार द्वारा जो रहने के लिए निवास बना रखे अभी तो मैं वहाँ पर उपस्थित है, लेकिन जैसे ही मैं कल नोएडा अगर पहुँच जाते हैं तो मैं उनके मामा जी के यहाँ उनकी व्यवस्था करा दूँगा। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसे टाइम पे अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे अपने प्रदेश हो या दोस्तों भारत का कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। अब दोस्तों एक चीज़ और बताऊँ आपको, काफ़ी अच्छी खबर है हमारे, आप जी के महात्मा करके एक चैनल है, जी के महात्मा जी दोस्तों, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों आज एक वीडियो प्रोवाइड कराई, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बातचीत है, फ़ोन पे संपर्क बना रहता है मेरा उनसे। तो उन्होंने दोस्तों उत्तराखंड के और अन्य दोस्तों नेपाल हुआ आपका, यूपी हुआ, यहाँ के लगभग लगभग 10 बंदे ऐसे थे जो दोस्तों इस समय अपने मतलब क्षेत्र से दिल्ली एरिया में थे, जो कि काम कुम करने के लिए गए थे, ठीक है। दोस्तों 3 दिन हो गए उन्हें खाना खाए, 3 दिन खाना खाए हो गए और 3 दिन से भूखे थे। फिर जी के महात्मा जी ने, जो दोस्तों पुलिस विभाग में कार्यरत हैं वर्तमान समय में,
ठीक है। तो उन्होंने अपने मैनेजमेंट के थ्रू अपनी टीम के तहत उनका खाने की व्यवस्था कराई गुरुद्वारे में, जो दोस्तों उन्हें गुरुद्वारा जो कि उन्हें लगातार यानी कि डेली उन्हें खाना प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था की, उन्होंने बोला था कि अगर कहीं व्यवस्था गुरुद्वारे में व्यवस्था 1% अगर नहीं होती तो खाने की व्यवस्था हम अपने घर से कर देते, ठीक है। तो दोस्तों आई होप्स आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल चुके होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो दोस्तों नीचे कमेंट कर दीजिए। और हाँ दोस्तों एक जरूरी जानकारी आपको दे दूँ, जीके की लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। मेरे चैनल पे जाइए शुभम माइंड चेंजर पे, वहाँ पर जाकर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी उत्तराखंड संपूर्ण इतिहास। क्या है दोस्तों? उत्तराखंड संपूर्ण इतिहास, ठीक है। वहाँ पर जाकर इस प्लेलिस्ट को खोल लीजिए। हालांकि दोस्तों उसका लिंक मैं नीचे डिस्कशन बॉक्स में भी दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर हम सभी वीडियो देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। हालांकि भी 2-3 वीडियो अपलोड की गई है, लेकिन लगातार टाइम टू टाइम आपको वहाँ पर वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। और हाँ दोस्तों कुछ बच्चे कमेंट अच्छा कमेंट नहीं करते, काफ़ी दिल दुखी होता है कि यार तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, एक छोटी छोटी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, उसके बावजूद भी आप इतने गंदे कमेंट करते हो, तो देख के काफ़ी दुख होता है। एक बार तो मन ऐसा करता है कि चैनल चुनल को चलाना बंद कर दूँ, कि दोस्तों ना तो कोई इनकम इससे ना कुछ, बस ये हो कि आपकी हेल्प हो रही है, प्रदेशवासियों की हेल्प चल रही है, उन गरीब बच्चों की हेल्प हो रही है जिनके पास नोटिफिकेशन पहुँचने में एक एक महीना लग जाता है, उन सभी के लिए दोस्तों ये चैनल चलाया जा रहा है, और उसके बावजूद भी आप सपोर्ट नहीं करते और ऐसे ऐसे कमेंट करो तो मन बहुत ज़्यादा दुखी होता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो के लिए आप लाइक तो खैर कर ही दोगे, क्योंकि लाइक कि अगर लग रहा है कि कंटेंट आपको कुछ मिला तो लाइक कर दीजिए, बाकी शेयर सभी के पास करने, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चंस थे आपके सभी, ये सारे क्वेश्चंस आपके आज क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको सभी जल्दी एक नए अपडेट के साथ, तब तक चैनल पर बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए। हाँ दोस्तों स्पेशली कहूँगा हमारे सरकार और हमारे जितने प्रशासनिक अधिकारी है उन सभी का दोस्तों मेरी व शुभम सैनी व समस्त शुभम माइंड चेंजर की टीम और मतलब समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से उनका धन्यवाद कि वे इस मुश्किल घड़ी में इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे, बहुत बहुत धन्यवाद उनका सभी की ओर से।